क्लास 12 बायोलॉजी चैप्टर है फर्स्ट, जो चैप्टर का नाम है जीवों में जनन। जीवों में जनन यानी जीवों में जनन किस प्रकार से होता है, जनन कितने प्रकार के होते हैं, इन सारे फैक्टों को इसमें देखेंगे। जनन की उपलब्धियां क्या होती है, जनन क्यों आवश्यकता होती है, इससे अतिरिक्त कुछ इसमें टर्म जो जुड़े होते हैं जैसे जीवन अवधि क्या है, निषेचन क्या है, युग्मक क्या है, युग्मनज क्या है, ठीक है, इन सारे चीजों को हम देखेंगे। तो आइए देखते हैं सबसे पहले कि जनन क्या है। जनन कहने का मतलब अर्थ होता है कि कोई भी जीव अपने ही जैसे, कोई भी जीव अपने ही जैसे संतानों की उत्पत्ति करता है, अपने ही जैसे संततियों की उत्पत्ति करता है, तो उसे जनन कहा जाता है। इस पृथ्वी पर लाखों जीव आए, लाखों जीव प्लांटी मार दिए, इन सब के पीछे जो कारण है वह कारण क्या है, जनन। यानी एक जीव मर गया और अपने ही जैसे संतान को, अपने ही जैसे हूबहू जीव को इस पृथ्वी पर छोड़ गया, इसका मतलब है कि वह जनन की क्रिया करता है। एक बार चला गया अपने ही जैसे बाप को छोड़कर चला गया, एक जीव कोई मर गया और अपने ही जैसे जीवों को छोड़कर चला गया, इसका मतलब हुआ कि जनन की क्रिया उसमें होती है। जनन वह प्रक्रिया होती है, चाहे वह जीव छोटा हो चाहे वह जीव बड़ा हो, प्रत्येक जीव जनन करने की कार्य करता है। चाहे वह बैक्टीरिया क्यों नहीं हो, वह बैक्टीरिया भी होगा तो वह जनन की क्रिया करेगा, वह डायनासोर भी था वह भी जो है जनन की क्रिया करता था, चाहे खुद मनुष्य है ये भी जनन की क्रिया करते हैं। हमारे पूर्वज चले गए, हम उपलब्ध हैं, इसका मतलब कि स्वाभाविक है कि जनन की क्रिया होती है। इसलिए जनन कहने का सिंपल जो है भाषा होता है कि कह सकते हैं कि जो अपने ही जैसा हूबहू संतान की उत्पत्ति करता है उसी क्रिया को जनन कहा जाता है। अब प्रश्न उठता है कि क्या जनन जो होगा, जो है इसकी कुछ अवधि होती है, तो जनन की अवधि होती है वह अवधि के दौरान ही कुछ उसकी जो समय सीमा होती है उस समय सीमा के ही दौरान जो है जनन की क्रिया कर सकता है, समय सीमा के बाद जो होगा जनन की क्रिया नहीं कर सकता। कहने का अर्थ है कि जनन करने के लिए हमारे पास जो क्षमता होती है वह क्षमता आज पूरी जीवन नहीं रहती है, कुछ समय के लिए रहती है और फिर वह जो होता है समाप्त हो जाती है। जैसे पहला कोई अगर बच्चा है तो बच्चा जो होगा वह जनन की क्रिया को नहीं कर सकता है, इसके लिए एज को होना जरूरी है। जैसे वह मैच्योर परिपक्व अवस्था में आएगा, परिपक्व अवस्था कब होगी तो 12 से 13 वर्ष की आयु में, जब उसके शरीर में हार्मोन का चेंजेज यानी हार्मोन जो होंगे, हार्मोन आएंगे, बदलाव आएंगे, तब जो होगा उसको कहेंगे कि ये जनन की क्रिया कर सकता है। उसमें जो है कुछ पहचान भी आएगी तब वह जनन की क्रिया कर सकता है। और अंतिम क्या प्रश्न उठता है कि क्या वह जनन की क्रिया 12 से 13 वर्ष के आयु में प्रारंभ किया तो क्या लगातार करते रहेगा, तब आंसर होगा कि नहीं, कुछ समय के बाद यानी फिर जो होगा उसका उम्र यानी 45-50 में जाएगा तो धीरे धीरे उसकी जनन की क्रिया क्या हो जाएगी, संपन्न हो जाएगी, मैंने समाप्त हो सकती। तो ये मेल में भी होता है फीमेल में, इस कंडीशन को पूरा करना पड़ता है तब जो होगा, इसलिए जनन की क्रिया जो संपन्न होती है। आगे देखेंगे एक और इसमें टर्म में मिलता है जनन अवधि, बहुत मस्त टर्म है कि सॉरी जीवन अवधि, अभी हमने बताया जीवन अवधि, इसको कहा जाता है लाइफ स्पैन। जीवन अवधि कहने का मतलब है कि दुनिया में कोई भी जीव अगर जन्म ले लिया, चाहे वह जीव छोटा हो चाहे जीव क्या हो बड़ा हो, अगर वह जन्म ले लिया तो जन्म से उसकी प्राकृतिक मृत्यु, जन्म से उसकी प्राकृतिक मृत्यु
तक जरूर जो होगा प्राकृतिक मृत्यु के बीच का जो समय होता है इसी को कहा जाता है जीवन अवधि। ठीक है, चाहे वह राजा हो, चाहे वह रंग हो, ठीक है, चाहे गरीब हो, चाहे अमीर हो, बाबू हो, सोना हो, ये प्रत्येक जो होगा इसका पतन होने का कारण जरूर जो होगा यह पतन करेगा, उसकी मृत्यु होगी, लेकिन वह एक अवधि के अंदर होती है तो उसी को जीवन अवधि कहा जाता है। जैसे कहने का मतलब वही, अब यहाँ कुछ जीवों को जैसे जीवन अवधि हम देख सकते हैं सामान्य रूप में, जैसे यहाँ पर देख सकते हैं एनसीईआरटी बुक में दिया हुआ है कि तोता का जीवन अवधि जो होता है ये 15 वर्ष है, तोता की अवधि 15 वर्ष। ठीक है, आप यहाँ देख सकते हैं कौवा का जो अवधि होता है ये जो तोता का अवधि जो होता है 140 वर्ष, कौवा का जो होता है ये होता है 15 वर्ष, गाय का जो होता है 25 से 26 वर्ष, ठीक है, हाथी का होता है 50 से 60 वर्ष, कछुआ का जो होता है इसका होता है आपको 150 से 200 वर्ष, बरगद वृक्ष जो होता है इसका होता है लगभग 250 से 500 वर्ष। इन सारे घटों को हम देख सकते हैं। कुछ और भी है, आप तितली को देख सकते हैं, ये तितली जो होती है 1 से 2 सप्ताह। अगर फसल में बात करें, धान का बात करें, गेहूं का बात करें, तो इनका भी जीवन अवधि होता है शुरुआती, यानी इनका होता है 4 महीना, ये भी होता है लगभग 4 महीना। यानी कहने का मतलब है कि कुछ ना कुछ जीवन अवधि होती है, ये जब भी मरेंगे तो यानी जीवन जन्म हुआ 15 वर्ष के बीच में ये प्लांटी मार देंगे, इसका मतलब कि इनका जीवन अवधि कितना है 15 वर्ष। तोता का जीवन अवधि कितना है 140 वर्ष, हाथी का जीवन अवधि कितना है 50 से 60 वर्ष, कछुआ का जीवन अवधि कितना है तब 150 से 200 वर्ष। हालांकि ये डाटा में कुछ परिवर्तन आप देख सकते हैं, कुछ अलग अलग किताबों में 5-10 जो होगा इधर उधर कर सकता है, उससे कोई बात नहीं है। ठीक है, तो प्रश्न होता है इसी तरह हम धान में देख सकते हैं, यानी पहले जो होगा ये 4 वर्ष जीवित रहेगा, गेहूं जो होगा 4 वर्ष जीवित रहेगा, तो इसी चीज को कहा जाता है जीवन अवधि। अब जीवन अवधि का मतलब ये मत समझिए कि मान लीजिए किसी चीज को आप मान लीजिए यही कौवा है, जन्म हुआ इसका, और जन्म होने के बाद ये 20 दिन के बाद प्लांटिंग मार दिया गया, तो क्या इसका जीवन अवधि हम 20 दिन रखेंगे? आंसर होगा नहीं, 20 दिन है, फिर भी वो काल आएगा कितना 15 ही वर्ष काल आएगा। एक और बात इसमें हमको देखने को मिलती है कि आकार से जीवन अवधि का कोई मतलब नहीं होता। यहाँ देखिए तो कौवा का जीवन अवधि कितना है, कितने वर्ष तक जी सकता है, तो ये जी सकता है 15 वर्ष, और यहीं पर तोता जो होता है 140 वर्ष जी रहा। इसका मतलब हुआ कि दोनों को आप आकार को देखते तो कोई इसमें बड़ा छोटा ही नहीं थे, लगभग में समान होते, हो सकता है कुछ जो होता है कौवा बड़ा, लेकिन अगर इनके जीवन अवधि को देखे तो इसमें बहुत बड़ा अंतराल है, तो आकार से जीवन अवधि का कोई संबंध नहीं होता है। दूसरी बात होता है कि अगर हाथी को देखा जाए, तोता को देखा जाए, तो हाथी जो है बहुत विशाल जानवर है, लेकिन इसका उम्र 50 से 60 वर्ष है। तोता जो है एकदम छोटा है, लेकिन इसका उम्र 140 वर्ष है, तो ये भी दर्शाता है कि आकार से जीवन अवधि का कोई प्रभाव, कोई संबंध नहीं होता। एक कछुआ को देखिए, ये 150 से 200 वर्ष तक जी रहा है, ठीक है, एक बरगद पेड़ ये 250 से 500 वर्ष तक जी रहा है, लेकिन एक तितली को वहीं पर देख रहे हैं कि 1 से 2 सप्ताह तक ये जीवित रह रही है, तो ये सारे चीजों को कहा जाता है जीवन अवधि। सीधा भाषा में कि जन्म हुआ और जब तक व्यक्ति जीवित है, एक अवधि के बाद प्लांटी मार देगा, मर जाएगा, तो उसको कहा जाता है जीवन अवधि। ये जीवन
उसका जो है मृत्यु किस प्रकार से होना चाहिए, तो याद रखिएगा कि प्राकृतिक रूप से होना चाहिए, न कि किसी अन्य कारण से हो जाए तो इसका जीवन अवधि आप उतना कर सकते हैं, ऐसा नहीं होता, तो इसको कहेंगे जीवन अवधि। समझ में? अब इसी से उठता है, इसी में छोटे छोटे बात आपको आते हैं कि निषेचन। निषेचन क्या होता है भाई? निषेचन कहने का मतलब होता है, निषेचन कहने का मतलब होता है इसमें अंडाणु और शुक्राणु, अंडाणु और शुक्राणु को क्या कर दिया जाता है, आपस में अंडाणु और शुक्राणु मिल जाते हैं, तो इस यानी अंडाणु और शुक्राणु को संलयन की क्रिया यानी मिलने की क्रिया को क्या कहा जाता है, निषेचन कहा जाता है। यानी जब भी ये कौन अंडाणु हो जाएगा कहाँ से, तो ये हमेशा मादा के पास उपलब्ध होगा, शुक्राणु किसके पास उपलब्ध होता है, तो ये हमेशा होता है नर के पास उपलब्ध होता है। मुझे उम्मीद है ये समझ में आएगा, मादा किसके पास अंडाणु किसके पास, तो जो है मादा के पास, शुक्राणु किसके पास, नर के पास, अंडाणु और शुक्राणु को मिला देंगे तो ये क्या कहलाएगा, इसी चीज को निषेचन कहा जाता है। आगे भी देख लेते हैं ये बात, आगे जो इसमें आता है युग्मक, युग्मक देखते हैं, बहुत से बच्चे जो युग्मक लेके परेशान रहते हैं लेकिन ये क्लियर नहीं हो पाता, तो युग्मक क्या है इस चीज को देखिए। युग्मक जो होता है दो प्रकार के होता है, एक होता है मेल और दूसरा होता है फीमेल, एक होता है मेल और दूसरा होता है फीमेल। अब कोई कहेगा मेल युग्मक क्या है और फीमेल, इसको इंग्लिश में कहते हैं कि मेल गेमिट क्या है और फीमेल गेमिट क्या है, तो इसको एकदम साधारण भाषा, मेल गेमिट का मतलब होता है शुक्राणु, मेल गेमिट का मतलब शुक्राणु और फीमेल गेमिट का मतलब होता है अंडाणु, मेल गेमिट का मतलब शुक्राणु और फीमेल गेमिट का मतलब अंडाणु। जब ये मेल के पास रहेगा तो ये गेमिट कहलाएगा, जब ये फीमेल के पास रहेगा तो ये गेमिट कहलाएगा, लेकिन जैसा ही मेल गेमिट और फीमेल गेमिट को आपस में फिर क्या करे, मिला दे यानी निषेचन की क्रिया करा दे, तो ये आपस में जब मिल जाएंगे तो इसी को कहा जाता है जायगोट, यानी जायगोट हिंदी में हो जाएगा युग्मक। समझ में आएगा युग्मक और सॉरी युग्मक और युग्मनज में क्या अंतर है, इसको कहेंगे युग्मनज। यानी कब युग्मनज हो गया, तो जब मेल और फीमेल दोनों गेमिट को आपस में संलयन करा दे, निषेचन करा दिए, तो ये हो गया युग्मक। यही युग्मक आगे जाकर जो होगा भ्रूण का निर्माण करेगा, इम्ब्रियो का निर्माण करेगा, और यही इम्ब्रियो जो होगा आगे जाके शिशु बनाएगा, और यही शिशु जब शरीर से बाहर निकलेगा यानी प्रसव होगा, इसका कहने का मतलब कि हैप्पी बर्थडे। बात मेरी समझ में आई होगी, क्या बनाया, पहले मेल के पास मेल गेमिट, फीमेल के पास फीमेल गेमिट, फिर जो है मेल गेमिट फीमेल गेमिट दोनों मिलकर संलयन की क्रिया जायगोट बना लिए, इसी जायगोट को युग्मनज कहा जाता है, यही युग्मनज विकसित हुआ, भ्रूण को निर्माण किया, भ्रूण जो है आगे चल के शिशु बनाया, और शिशु के बाद से जो हुआ प्रसव हुआ। इस प्रोसेस आपको समझ में आएगा कि युग्मक और युग्मनज में क्या अंतर होता है, गेमिट और जायगोट में क्या अंतर होता है। आगे इसी से कुछ टर्म और है, हाँ इसमें जनन से संबंधित जो होता है कुछ और प्रक्रियाएं भी होती है, उस प्रक्रिया को भी देख सकते हैं। इसके लिए होता है जनन के लिए हमारे पास मानसिक चक्र होना चाहिए, यानी मानसिक चक्र का होना जरूरी है। मानसिक चक्र ये जो होता है
यानी किस में चलता है, तो प्राइमेट जीवों में चलता है, मानसिक चक्र किसमें चलता है, प्राइमेट जीवों में चलता है। एक और होता है मद चक्र, हालांकि यह एक टॉपिक है, इसको बाद में देखा जाएगा क्या होता है, किस प्रकार से प्रक्रिया में प्रोसेस होते हैं, कौन कौन हार्मोन जो होते हैं इसमें जरूरत होते हैं, कौन हार्मोन जो होता है योगदान करता है, किस प्रकार से ये चक्र चलते हैं, इसकी अवधि क्या होती है, मानसिक चक्र नहीं आने से क्या होगा, आने ठीक है, ये सारी चीजों को आगे जो होगा चर्चा करेंगे। मद चक्र जो होता है इसको कहा जाता है नॉन प्राइमेट, ये जो होगा नॉन प्राइमेट जीवों में पाए जाते हैं, जैसे ये आपको होता है मनुष्य में, बंदर, और ये जो होगा इसमें आ जाएगी गाय, भैंस, बकरी, यानी ये चक्र।